हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 20 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुँचे थे। वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। चलिए आपको गोवा के बारे में बातें हैं। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत। गवर्नर बनाया गया अभी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करें कैपिटल पंजी, फर्स्ट सीएम दयानंद बंदोनकर, फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो गोवा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। स्टेट ट्री है मट्टी। दूधसागर फॉल जो कि गोवा में है। एनिमल है गौर। स्टेट बर्ड लेलो थ्रोटेट बुलबुल। मेन डैम है मांडोकुम्बी। मेन रिवर है मांडवी। डैम स्लावलिम। भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क जो कि गोवा में ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे भारत में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। हाल ही में भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारत में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रोहित शर्मा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यपाल मलिक जी को। गोवा के राज्यपाल सत्य मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। मलिक 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सत्यपाल मलिक जी। चलिए आपको मेघालय के बारे में बातें हैं। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था, 21 जून 1972। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कैपिटल शिलोंग। फर्स्ट सीएम डब्ल्यू एस संगमा। फर्स्ट गवर्नर बी के नेहरू। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। मेघालय का हाईकोर्ट मेघालय में है। चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमाधीर। बात करें स्टेट ट्री की तो व्हाइट टीक, फ्लावरल लेडी, स्लीपर ऑर्किड। एनिमल है क्लाउडेड लियोपर्ड। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। एनसी ट्राइब्स गारो खासी जयंती है जो कि जनजाति मेघालय में ही पाए जाते हैं। मेन डैम्स है साद नोंग्रेम। मेन रिवर है अजागर, डेरिंग, बोगई। डैम्स है उमाइम डैम। नेशनल पार्क है बलपाक्रम और नोकरेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मेघालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महुआ डी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। महुआ डी रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, किस देश ने बांग्लादेश को बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना।
चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 बिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। चलिए आपको चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे 1 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की है। चाइना के नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड अवार्ड जेंट पांडा, फ्लावर ऑफ प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मदारी और त्रिशम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशिकांत कामत जी का। निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टार दृश्यम, इरफान खान स्टार मदारी जैसे फिल्म का को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे निशिकांत कामत जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गंगोत्री नेशनल पार्क जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 70 साल पहले विलुप्त माने जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी को उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। वन अनुसंधान संस्थान के अनुसार उड़ने वाली गिलहरी को IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान में किए गए सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून, फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी, फर्स्ट गवर्नर SS बरनाल, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। स्टेट ट्री है लाली उरांस, फ्लावर ब्रह्मा कमल, एनिमल एल्पानी मस्क डियर, बर्ड हिमानियल मोनल। बात कर फेमस वैली जो कि फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में ही है। मेन डांस है बड्डा नाटी, पांडु नृत्य, मेन रिवर है अलकनंदा, भागीरथी, दौली गंगा, गंगा, कोसी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। डैम्स है टिहरी, भीमताल और रामगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में उत्तराखंड। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन जल्द ही ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे। 8 अगस्त 2020 को रेल मंत्रालय ने घोषणा किया कि रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल ने अब तक 32 लाख रुपए की लागत से ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन को मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लागू किया जाएगा। इस निगरानी को लागू करने के लिए मंत्रालय ने निंजा UAV यानी कि मानव रहित हवाई वाहन की खरीद की है। ड्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग में सक्षम है। बात करें भारतीय रेलवे के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल और चेयरमैन है वी के यादव यानी विनोद कुमार यादव जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, VSK कॉमेडी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख VSK कॉमेडी को ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। VSK कॉमेडी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानियुक्ति की तारीख है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस देश ने COVID-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यूएसए। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट में केवल लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे यूएसए में मंजूरी दी गई है। चलिए आपको यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बारे में बताते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन वैली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड अबाउट लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व मानवता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त को। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिवस के दौरान विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइंड कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को हिस्मा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेनिक फ्यूल डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को 74वां इंडिपेंडेंस डे और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन यानी कि विश्व मानवता दिवस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ 5 आईपीएल 2020। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम इलेवन द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल कर लिए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। ड्रीम इलेवन को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली बार चुनी गई मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। बात करें फाउंडर्स ऑफ ड्रीम इलेवन की तो हर्ष जैन एंड भावित सेठ जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में सबसे बेहतरीन केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों के अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष को स्थान प्रकार रखा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई। बात करें फर्स्ट नंबर पे आईआईटी मद्रास, सेकंड पे आईआईटी मुंबई, थर्ड पे दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु चौथे पे और आईआईटी खड़गपुर पांचवें स्थान पर रही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ADB बैंक। 18 अगस्त 2020 को एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन का ऋण को मंजूरी दे दी है। यह सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है। इस प्रणाली का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना है। यह प्रणाली NCR क्षेत्रीय योजना 2020-21 के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों से पहली है। चलिए अब आपको ADB बैंक के बारे में आते हैं। ADB बैंक का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। प्रेसिडेंट है मासासुगु अशिकावा। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। चलिए चलते हैं 20 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में आते हैं।
20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कलकत्ता में संपन्न हुआ। 1897 में रोनाल्ड ट्रांस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। 1911 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर से वह पहला टेलीग्राम भेजा गया था जो पूरी दुनिया में पहुंचा था। 1944 में भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ। 1964 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह कंसोर्टियम के नाम कंसोर्टियम ने काम करना शुरू किया। 1977 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वायजर 2 अंतरिक्ष यान भेजा था। 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 23 दिन के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिदी एक्सप्रेस के आमने सामने की टक्कर में 350 लोगों की मौत हुई। 2011 में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा का निधन हुआ। 20 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो सद्भावना दिवस, ऊर्जा अक्षय दिवस और संत लोगोवाल स्मृति दिवस और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त के जन्म प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो 1915 डी देवराज उर्स राजनीतिक, 1944 राजीव गांधी राजनीतिक। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 43वें स्थान पर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए 100 KG कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Review सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।